चलो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड किया था जिसमें 532 रुपये का प्रॉफिट है। देखेंगे ये फ्यूचर है, ठीक है भैया। यहाँ पे मैंने फ्यूचर बाई किया हुआ था, ये ट्रेड करीब एक घंटा चला हुआ है भाई। इस टाइम पे समझो ऑप्शन बायर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है मार्केट से। उसका रीजन क्या है कि सिर्फ इतना ही कि इंडिया विक्स सही जगह पर नहीं है और अभी मार्केट में सच में काम करने जैसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा एक घंटा ट्रेड चला है भाई, जो कि 532 रुपये मिला है। सोचो ये तो फ्यूचर है, अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन बाई करता तो हमें लगता है यहाँ पे भाई कम से कम ना अच्छा खासा लॉस देखने को मिलता। तो टाइमिंग क्या है यहाँ पे, ऑर्डर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई कितना टाइम पहले ट्रेड चला है, करीब 14:14 पे, ठीक है भाई। फिर देखेंगे 15:12 पे सेलिंग, मतलब करीब एक घंटा मशक्क़त के बाद में यहाँ पर समझो मिला जुला करके कुछ भी नहीं मिला है मार्केट में। इस टाइम पर भाई जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके ट्रेडिंग करियर में। इस टाइम पे ट्रेड करने जैसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको अभी लॉजिक समझा देता हूँ कि मैं ट्रेड यहाँ क्या दे करके लिया था। और यहाँ पे मैं आपको दोनों चार्ट दिखाने का ट्राई करूँगा आज, फ्यूचर का चार्ट दिखाऊँगा और स्पॉट प्राइस दोनों दिखाने का ट्राई करूँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने क्या दे करके यहाँ पर काम किया है, क्या दे करके हमने यहाँ पर एंट्री बनाया था। ये सारा पॉइंट आपको समझाने का ट्राई करेंगे अभी चार्ट पे। लेकिन इसके पहले एक ही चीज़ कहेंगे भाई, जब तक इंडिया विक्स ठीक है सही जगह पर नहीं है तो वहाँ पे ट्रेड करना बिल्कुल भी गलत है। इस टाइम पे मार्केट से बल्कि बाहर रहो, अपना पैसा बचा के रखो, हो सके तो ट्रेड करो ही मत, बिल्कुल करना ही नहीं है ट्रेड। और अभी ट्रेडिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी ट्रेडर हैं सबका समझो हाल इस टाइम पे यही है कि ऑप्शन अगर कर रहे हैं, अगर ऑप्शन बायर हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है, स्लो मार्केट में पैसा बचा के रख लो, यही बहुत बड़ी बात है। आप ट्रेडर बन जाओगे। देखो मार्केट में इसीलिए बोला जाता है कि भाई आप टाइम दो, एक साल दो साल, आप थोड़ा मार्केट को समझो कि कैसे कैसे मार्केट चलता है। जब आप इससे रिलेटेड थोड़ा सा मतलब काम करेंगे इसके साथ में, आपको पता चलेगा इसका बिहेवियर कि कब मार्केट कैसे चलता है, कैसे ऑप्शन मोमेंट होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे इंडिया विक्स कहाँ पर रहेगा तब ऑप्शन मूव करेगा, इंडिया विक्स नहीं सही है तो मूव नहीं करेगा। ये सारा पॉइंट आपको तब समझ में आने वाला है। तभी ये होता कि भाई प्रैक्टिस करो, मार्केट में रहो थोड़ा टाइम तक काम, आपको तब जरिए समझ में आएगा कि कैसे कैसे काम करना चाहिए। चलो आपको समझाते हैं लॉजिक क्या था ट्रेड लेने का, पूरा ध्यान से देना भाई, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आइडिया मिलेगा। मैं आपको दोनों चार्ट दिखाने का ट्राई करूँगा। यहाँ पे करीब एक घंटा ट्रेड चला है, मिला जुला के भाई कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी मैं एक चीज़ बोलूँगा, बस थोड़ा सा दूरी बना के रहेंगे ट्रेड से तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर इस टाइम पर होगा। तो चलो समझते हैं सीधा चार्ट पे चलते हैं और समझाते हैं लॉजिक। तो चलो दोस्तों समझते हैं ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों मैंने ट्रेड लिया हुआ था भाई। थोड़ा सा आवाज़ आज आपको डिफरेंस लग रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत वैसे भी सही नहीं है, हेल्थ इशू है, फिर मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। अब मैंने एक काम किया हुआ है जो कि अपने फ्यूचर में काम किया है और एक लॉट से ही काम किया था क्योंकि मार्केट में कुछ करने ऐसा है ही नहीं भाई। अगर बात किया जाए ट्रेडिंग लाइव मार्केट है तो बिल्कुल भी नहीं है। रीजन क्या है, देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन करेंगे आप तो भाई सीधा बर्बादी है। अगर आप ऑप्शन करेंगे तो मैं तो चीज बोलूंगा जब तक इंडिया विक्स ठीक है, इंडिया विक्स कम से कम भाई 12 के ऊपर आ जाने दो कम से कम, ठीक है। वैसे तो इसका जो लेवल है ठीक ठाक वो कम से कम 13-14 के ऊपर आ जाए तो बेस्ट रहेगा, लेकिन एटलीस्ट 12 के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं, तब आपको ऑप्शन में पैसा यहाँ पे बनता हुआ कुछ दिख सकता है। लेकिन इस टाइम पे जिस जगह पे इंडिया विक्स है मार्केट एकदम स्लो रहने वाला यहाँ पे है और आप देख रहे हैं कि मार्केट में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। एक रुपए का मतलब यहाँ पे भाई काम नहीं हो पा रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो काम किया हुआ है देखिए करीब 500 रुपए मिला हुआ है, वो भी एक घंटे में। तो मैंने ट्रेड जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था वो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे किया था। क्या देख करके किया था, चलो चार्ट पे वही समझाते हैं क्योंकि देखो मैं प्राइसन पे काम करता हूँ तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई करूंगा, ध्यान देना, ठीक है। देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे एक बाइंग आई ठीक है, एक कैंडल बाइंग में आई, थोड़ा टाइम मार्केट रुका, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, थोड़ा टाइम यहाँ पे रुक करके मार्केट फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है। अब देखेंगे ये पॉइंट अगर यहाँ पे मैच करेंगे तो ये दोनों क्या बन रहे हैं सपोर्ट। ये वाला चार्ट छोड़ दो, अभी इधर कोई चार्ट बना ही नहीं, बस यहाँ पे समझो मैं क्या यहाँ बताना चाहता हूँ। एक बायर आया ठीक है, थोड़ा टाइम वेट किए, फिर यहाँ पे बाइंग आई, मतलब यहाँ पे क्या है बायर एक्टिव है और अच्छे खासे बायर यहाँ पे एक्टिव है। फिर क्या है मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखेंगे नीचे आया है, तो कितना नीचे आया है, जितना ये बाइंग चली ही, ये जितना बाइंग चला है इसका अगर हाफ देखेंगे उतना ही यहाँ पे क्या है सेलिंग आया है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे बायर थोड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है। यहीं से पता चल गया, जब ये मार्केट यहीं से रिवर्सल किया तभी सपोर्ट लिया यहाँ पे मार्केट, देखेंगे यहाँ पे कैंडल बनाया ठीक ठाक से और सीधा निकल गया ऊपर, मतलब बायर यहाँ पे स्ट्रांग है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे सेकेंड टाइम आया तब तो भाई मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, ये सपोर्ट लेके ऊपर गया,
फिर जैसे मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही नीचे आया मार्केट, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ठीक है, हमारा ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट हुआ था इस वाले पॉइंट पे। और आप बोलेंगे सर स्टॉप लॉस क्या था और हमने क्यों यहाँ पे एंट्री किया था, तो एंट्री करने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो सीधा सिंपल सा चीज, ये क्या है, सपोर्ट है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, सपोर्ट। बड़ी कैंडल का लेंगे तो सपोर्ट मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, जैसे यार थोड़ा सा रिवर्सल करता हुआ दिखा यहाँ पे कैंडल वगैरह, तो मैंने इसके स्टॉप लॉस से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कैंडल है इसके लो के स्टॉप लॉस से मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया थोड़ा सा अर्ली ही, क्योंकि मार्केट यहाँ पे लग रहा था कि थोड़ा ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो मैंने यहीं पे एंट्री किया। और मार्केट यहीं पे देखें क्या है, आपका सीधा का सीधा यहाँ से एक रिवर्सल करना ट्राई कर दिया है चालू, मतलब मार्केट क्या है सीधा यहाँ पे रिवर्सल कर रहा है। अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे रिवर्सल कर रहा है, तो आप मिला जाके देखें कौन सा कैंडल हमारा है बाइंग का। तो समझो भाई ये 14:18, ठीक है, ये 14:15, मतलब हमारा एंट्री यहीं पे हुआ है, क्योंकि 14:14 मतलब यहाँ पे दिख रहा है जो हमारा एंट्री टाइम है, तो यहीं पे एंट्री हुआ, ये हमारा स्टॉप लॉस भाई बैठ गए। अब मार्केट ऊपर गया थोड़ा टाइम तक, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे करीब हमें अच्छा खासा पॉइंट दिख रहा था, नियर अबाउट मतलब 1200-1300 रुपए का आसपास यहाँ पे दिख रहा था प्रॉफिट। फिर मैंने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया भाई, ठीक है, कैसे ट्रेल किया आपको बताते हैं। देखो जब ये एक मार्केट यहाँ से ऊपर तक गया ना, हम सीधा क्या कर दिए, अपना बना दिए ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन बना दिए। उसके बाद में क्या हुआ, ये वाली कैंडल आपकी बड़ी वाली आई, अब यहाँ पे लगा दिए भाई एक अपना कैंडल का हाफ के स्टॉप लॉस, ठीक है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया भाई इसके वाले कैंडल पे, ठीक है, इस वाले कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, निकल गए बाहर। अब बोलेंगे सर इतना कम पैसा क्यों, अब मार्केट तो यहाँ पे क्या अच्छा खासा मोमेंट करता हुआ दिख रहा है चार्ट पे। देखो ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, ठीक है, बट हमने क्या लिया था, फ्यूचर लिया था, तो थोड़ा सा एक बार फ्यूचर का चार्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, फ्यूचर के चार्ट में आप देखेंगे तो थोड़ा सा चार्ट आपको अलग दिखेगा, ठीक है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ये देखो चार्ट फ्यूचर का, और 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ये देखो स्पॉट प्राइस, हम स्पॉट प्राइस देख करके ही काम करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखो मोमेंटम कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ खास नहीं, मार्केट ऊपर गया नीचे, फिर ऊपर गया फिर नीचे, सीधा सीधा यहाँ पे भाई आके कैंडल क्लोज कर दिया और हम लोग को पैसा यहाँ पे नहीं दिया मार्केट, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट था हमारा ये पॉइंट पे करीब करीब भाई बता रहे ना कि 1200-1300 के आसपास भी था, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आया पूरा भाई प्रॉफिट यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि हमारा जो बाइंग था ना, अगर इसमें अगर हम देखेंगे कि हमारा बाइंग कहाँ था, तो ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे देखो ये हमारा बाइंग बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे निकल गया, तो कितना पॉइंट होगा भाई, थोड़ा सा ही पॉइंट तो यहाँ पे मिला है, तो ज्यादा मार्केट आज चला ही नहीं है, तो ज्यादा पैसा मिलने का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मिला जुला के इस समय ट्रेडिंग करने जैसा नहीं है, बट एक लॉजिक मैंने यहाँ पे जो अप्लाई किया, और 3 मिनट टाइम फ्रेम करने का रीजन क्या था, 3 मिनट टाइम फ्रेम वैसे जनरली स्कैल्पिंग होता है, बट मैं कम टाइम फ्रेम इसलिए किया, अगर मैं आधा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट में देखेंगे ना, कुछ भी पॉइंट यहाँ पे अच्छा खासा दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट क्या वोलेटाइल दिख रहा है स्पॉट पे। लेकिन फ्यूचर का चार्ट देखो आप, फ्यूचर का चार्ट बिल्कुल भी मोमेंटम यहाँ पे है, आप देखो खुद पता चले कोई मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए फ्यूचर में भी पैसा नहीं है ना, तो ऑप्शन में ही पैसा है। फ्यूचर में सिर्फ क्या है, एक सेफ्टी है, ठीक है, वो टाइम डिके का सेफ्टी है, यहाँ पे आपका टाइम डिके से मतलब नुकसान नहीं होगा और प्रॉफिट होगा, इससे अच्छा ये होता कि भाई मार्केट में, ठीक है, सेल करके बैठ जाओ सीधा सीधा, ऐसे मार्केट में सेलिंग ही चलती है, और सेलर का मार्केट इस टाइम पे है, प्रेजेंट टाइम में जो मार्केट चल रहा है ना सेलर का ही मार्केट है, स्पीड नहीं है, आराम से सेलिंग करके बैठो। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मार्केट में इस टाइम पे क्या मोमेंट चल रहा है, सिर्फ इंडिया में इसका प्रॉब्लम है इस टाइम पे, और जब तक वो ऊपर नहीं आता है मार्केट ऐसे ही रहने वाला है, सिर्फ आपका लॉस कराएगा, पैसा 1 रुपया हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि रीजन ये है ना कि भाई स्पीड नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं बनेगा। ट्रेडर के लिए भाई दिन ही खराब चल रहा है मिला जुला के ये पूछो, अगर आप सेलर हैं तब तो भाई ये आपकी बल्ले बल्ले है, अगर आप बायर हैं तो भाई फिर समझो कि फिर आपको पैसा मिलने वाला नहीं मार्केट में। बस जो भी ट्रिक था सिंपल मैंने आपको बताने का ट्राई किया, फिर मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।